रास कला मंच सफेदों में नाटक की प्रस्तुति के लिए मुखौटे बनाने 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 1 जनवरी 2019 से 10 जनवरी 2019 तक चल रही है। इस कार्यशाला में अंतर्गत रास कला मंच रंग मंडल के 20 कलाकारों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के दौरान कलाकारों ने अलग अलग मुखौटे बनाए। इसमें घोड़ा, गधा, सत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, गिद्ध, उल्लू, बंदर, किरण, लोमड़ी, डायन जैसे जानवरों के मौतों के साथ साथ हिंदू संस्कृति के देवी देवताओं जैसे विष्णु, कृष्ण, हनुमान, गणेश, सूर्य देवता, इंद्र देवता, बुद्ध व कुछ नाटकों से संबंधित मुखौटे बनाए जा रहे हैं, जिसकी प्रदर्शनी 13 जनवरी को रास कला मंच के अभ्यास कला पर लगाई जाएगी। कार्यशाला का संचालन संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली उस्ताद बिस्मिल्ला खान सम्मान से सम्मानित अभिषेक भारतीय इंडियन थिएटर विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के निर्देशन में चल रहा है। क्या नाम आपका? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक भारती है और मैं जम्मू कश्मीर से हूं। मैं यहां रास कला मंच रंग मंडल के आर्टिस्टों के साथ प्रोफेशनल मास्क मेकिंग वर्कशॉप पे काम करने के लिए आया हूं। मैं इन बच्चों को यहां पर मुंह पे लगाए जाने वाले मुखौटे, जिनका इतिहास आज से 5000 साल पुराना है, उन मुखौटों को कैसे बनाया जाता है, उनके जन्म से लेकर उसके पूरे फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, मैं उस पर इनके साथ काम कर रहा हूँ। ये हमारे जम्मू कश्मीर की ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म है, जिसमें पेपर मैशी से, यानी पेपर को मैश करके उस पर कुछ मटेरियल मिक्स करके उनसे मुंह पर मुखौटे बनाए जाते हैं, और वो मुखौटे नाटक में अलग अलग करेक्टर के हिसाब से किस तरह से यूज किए जाते हैं, उनका क्या महत्व है, और वो किस किस तरह से आने वाले नाटकों में या इनके नाटकों में आगे यूज किए जाएंगे, उसको लेकर हम यहाँ वो मुखौटे बना रहे हैं। और ये मुखौटे खास करके हमने 5 साल के बच्चों से लेकर जो रंगमंडल के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, उन सभी आर्टिस्टों को हमने ये काम यहाँ पर सिखाया है। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम जम्मू कश्मीर की ये फोक आर्ट फॉर्म यहाँ के हरियाणा के आर्टिस्टों को देकर जाएं, जो कि इंटरकल्चरल एक्सचेंज के तौर पर काम करेगा, और जब ये कलाएं आपस में मिक्स होती है तो हमारे भारत का, संपूर्ण भारत और श्रेष्ठ भारत का एक मकसद भी अपने आप में थोड़ा सा सफल होता हमें दिखाई देता है। क्या मानते हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इससे मैं एक तो अपनी स्टेट का कल्चरल एम्बेसडर भी एक तरह से हूँ, कि जिस तरह से बाकी स्टेट्स में लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है बहुत ही अलग तरह का जगह है, वहाँ आतंकवाद है, तो उस तरह का मैं एक पीस का संदेश भी लेकर आया हूँ हमारे यहाँ पे आर्टिस्टों के साथ। और मेरी कोशिश भी रहेगी कि ये जो हमारे वहाँ की जम्मू कश्मीर की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, ये भारत के अलग 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 कोनों में पहुंचे, जिससे कि हमारे जम्मू कश्मीर का नाम भी हो, वहाँ के आर्टिस्टों का नाम भी हो, वहाँ के थिएटर का नाम भी हो, और हमारे भारत के रंग मंडल भी अपने आप में ग्रो करें। उन्होंने कहा कि नाटकों में मुकुटों का इतिहास लगभग 4 से 5 हजार साल पुराना है। भारत की लोक नाट्य व शास्त्रीय नाट्य की शैली में इनका प्रयोग आज भी होता है, जो कि नाट्य के प्रदर्शन को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। दक्षिण भारत में कई परिवार पारंपरिक रूप से इस विद्या से आज भी अपना जीवन यापन चला रहे हैं। रास कला मंच के रंग गुरु रवि मोहन का इस कार्यशाला को लेकर बड़ा ही सकारात्मक रवैया है। उन्होंने कहा कि आज ही युवा पीढ़ी जो रंग मंच करना चाहती है, उसे अपने देश के सभी नाट्य शैलियों का ज्ञान होना चाहिए। अपना नाम बताएंगे? रवि मोहन, मैं इस संस्था का जो है रंग गुरु हूँ। यहाँ पर लगभग 20 से 22 आर्टिस्ट हमेशा रहते हैं, और आवासीय रंगमंडल है, यहीं पर खाना पीना रहना सब है, और यहीं पर आर्टिस्ट खाना बनाते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुखौटों की प्रदर्शनी लगी हुई है, और मुखौटों की प्रदर्शनी का ये पारंपरिक काम रहा है भारत में, या ग्रीक थिएटर में मुखौटों का एक अपने आप में एक परंपरा रही है। उसी परंपरा को निभाते हुए जो आज के आर्टिस्ट हैं स्टेज पर जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको मुखौटों का निर्माण कैसे किया जाता है, कितने पेशेंस का काम है, सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम के 8:30 बजे तक, मतलब 12 घंटे की सिटिंग देना, उसको बड़ी शिद्दत से बनाना, और एक दो आर्टिस्ट इतनी शिद्दत से काम करेंगे सुबह 4 बजे तक जो है बना के सोते हैं। कितना टाइम लगता है इनको, कितने दिन से अभी तैयारी कर रहे हैं आप, और कितने दिन और तैयारी चलेगी इसके बारे में? लगभग पिछले 10 दिन से हम ये काम कर रहे हैं। 1 जनवरी को ये वर्कशॉप शुरू हुई थी, और 11 तारीख को जो एक्सपर्ट बाहर से आए हैं जम्मू से, अभिषेक भारती जी, वो चले जाएंगे, लेकिन ये 20 तारीख को इसका समापन होगा। 20 जनवरी को रविवार को शाम को हम इसकी प्रदर्शनी करेंगे, और इस प्रदर्शनी के अंदर कम से कम 55 से 60 मुखौटे तैयार हो रहे हैं।
इससे क्या संदेश जाएगा जो आप ये मुखौटे तैयार कर रहे हैं उसके बारे में? संदेश तो यही है कि जैसे चिल्ड्रन थिएटर है, चिल्ड्रन थिएटर में पशु पक्षी जानवरों के मास्क बन रहे हैं और जितना भी अध्यात्म का काम है, जैसे यहाँ पर देवताओं के राक्षसों के भी मास्क बन रहे हैं, तो एक तो ये होता है कि सुविधा होती है अभिनेता के लिए कि उसको बार बार मेकअप नहीं करना पड़ता, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज करेगा, मुखौटा लगाएगा और संवाद बोलेगा, एक तो ये है। दूसरा, जो आज की पीढ़ी है उसको इस पर पारंपरिक जो काम है मुखौटा बनाने का, रूप सज्जा का, वेशभूषा का, इसकी जानकारी मिलेगी। एक्टर को ज़्यादा नहीं पता होता कि इस मुखौटे को जिस आर्टिस्ट ने बनाया है उसको कितनी शिद्दत से बनाया, कितनी मेहनत से बनाया है, तो जब ये पहनेंगे तो उतनी श्रद्धा से पहनेंगे क्योंकि इन्होंने खुद बनाया है। और एक कला को सीखना, मतलब रंगकर्मी मैं कहूँगा जो स्टेज आर्टिस्ट है, वो सब आना चाहिए। और मुखौटों निर्माण जैसे कार्यशाला, चाहे वह वेशभूषा, मंच सज्जा, हस्त सामग्री, रूप सज्जा व प्रकाश व्यवस्था को लेकर समय समय पर रास कला मंच ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करता रहेगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सफीदों से अभिषेक धीमान की रिपोर्ट। ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।